सर, हम ऐसा मान सकते हैं कि आयकर वो फ्यूल है जिससे सरकारी गाड़ी चलती है। यह सरकारी गाड़ी नहीं, देश की गाड़ी मैं कहूँगा। हाँ, क्योंकि लोकतंत्र में, लोकतंत्र में सरकार क्या है, जनता द्वारा जनता के लिए जनता से चुने 50% आपके पास बैंक में जमा रहा, बैंक से जब निकालेंगे हमें पता चल जाएगा। पहले तो कैश आपके घर में रखा था, आपने पड़ोसी को दे दिया, किसको दे दिया, स्मगलर को दे दिया। सर, हम ये मान सकते हैं कि वो पूरा पैसा फिर सरकारी नजर में आ गया और उसको हम ट्रैकिंग कर सकते हैं। एक्टिविटी की डीलिंग होती है हर महीने, उसकी सूचना इनकम टैक्स विभाग को बिना मांगे देती हैं, वो आपसे शेयर करते हैं। जी, इसी तरह से बैंकों के बड़े ट्रांजेक्शन सब डिपार्टमेंट के पास आते हैं, और भी बहुत से मैंने दो छोटे उदाहरण दिए। तो कई बार लोग चौंकते हैं कि अरे ये बैंक अकाउंट तो हमारी पत्नी को भी मालूम नहीं था, ये तो हमारा नंबर दो का अकाउंट था, सर कैसे मालूम पड़ गया। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जस्ट टॉक पे। आज हमारे बीच एक बहुत ही खास मेहमान श्री आर के पालीवाल सर, जो कि सेवानिवृत्त मुख्य प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ रह चुके हैं। एक ऐसी ही महान शख्सियत से आज एक इंटरव्यू के माध्यम से हम कुछ परिचर्चा करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे। थैंक यू, धन्यवाद जी। सर, सर्वप्रथम हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने भारतीय राजस्व सेवा में कितने वर्षों तक एवं कहाँ कहाँ अपनी सेवाएं प्रदान की। देखिए, भारतीय राजस्व सेवा में मेरी लगभग 3.5 दशक 35 साल के आसपास सेवा हुई जी। और मैं उन भाग्यशाली अफसरों में हूँ जिनको लगभग पूरे भारत में काम करने का मौका मिला जी। क्योंकि ये तो केंद्र सरकार की सेवा है जी। शुरुआत हमने अपने गृह प्रदेश से की, मुजफ्फरनगर, आगरा, लखनऊ, इन तीन जगह हमने अपने गृह प्रदेश उत्तर प्रदेश में सेवाएं दी जी। उसके बाद दिल्ली में भी हम काफ़ी समय रहे, और दिल्ली में हम आयकर के अलावा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के नाम से जो मशहूर है जी। वहाँ भी डेपुटेशन पे हम 4 साल रहे जी। उसके बाद फिर हम पश्चिम भारत में बम्बई हमारी पोस्टिंग हुई जी। वहाँ भी हम 6-7 साल रहे, और वहाँ से हम बम्बई के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, ये सब देखते थे जी। फिर हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आए जी। और यहाँ से हम आंध्रा और तेलंगाना गए, हैदराबाद से हम आंध्रा, तेलंगाना और उड़ीसा देखते थे जी। तो आप देखिए, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत और मध्य भारत, एक तरह से सर पूरे पूरा भारत में हमारी सेवाएं प्रदान करने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक लंबा पीरियड सर आपको आयकर विभाग के अंतर्गत अपनी सेवा दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका अनुभव कैसा रहा सर? अनुभव तो खट्टा मीठा ही कहा जाएगा, खट्टा मीठा इस उसमें। देखिए, आयकर एक ऐसी चीज है, हम लोग मजाक में कहते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स तो आपको पता नहीं चलता, आपसे ले लिया जाता है जी। आप पेट्रोल भरा रहे हैं तो आप 100 रुपये का पेट्रोल भराया, उसमें मालूम पड़ा 20 रुपया आपने टैक्स का दिया, लेकिन आपको नहीं पता, आपने तो पेट्रोल की कीमत समझ के दे दिया, वो महसूस नहीं होता। महसूस नहीं होता, लेकिन डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स, ये बहुत महसूस होता है, और एक बड़ी संख्या लोगों की हाँ ऐसी है, बड़ी संख्या जो नहीं देना चाहती, क्योंकि आपकी अकाउंट में आपकी सैलरी आ गई, उसमें से इनकम टैक्स लिया जा रहा है, व्यापार से आपको मुनाफा हुआ उसमें से एक हिस्सा लिया जा रहा है, और बड़ा हिस्सा अगर ठीक ठाक इनकम है तो 30-35%, आपको 100 रुपये की कमाई हुई, 35 रुपया इनकम टैक्स का आपसे लिया जा रहा है। तो सर, लोगों को एक तकलीफ होती है, तकलीफ होती है, तो जिस चीज़ की तकलीफ होती है उसकी चोरी भी लोग करना चाहते हैं जी सर। तो कई बार हम लोगों को बहुत से छापे डालने पड़े, सर्वे करने पड़े, और उस समय कई सालों का जो कमाई थी वो पकड़ी जाती है लोगों की। तो खट्टे मीठे ये होते हैं, लोगों को बड़ा बुरा लगता है, रोना धोना भी लोग करते हैं, शिकायतें लोग करते हैं, झूठी शिकायतें कि साहब हम पे बहुत टैक्स लगा रहे हैं, बड़ा हरेसमेंट हो रहा है, तो तरह तरह की चीज़ें हाँ। लेकिन सरकारी सेवा में सारे काम आपको लोगों को खुश करने वाले तो नहीं। अब अगर पुलिस चोर को नहीं पकड़े तो चोर तो खुश रहेगा कि नहीं पकड़ा है हमको, चोर तो चाहता ही है सर कि पुलिस कि ना पकड़ा जाए। तो ऐसे ही कर चोर भी नहीं चाहते कि हम उनको पकड़ें, तो इस तरह के बहुत अनुभव हुए। सर, हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप उत्तर प्रदेश के एक छोटे से, बहुत छोटे से गांव कस्बे से बिलोंग करते हैं सर,
तो वहां से यहां तक का सफर कैसा रहा? वैसे तो मैं कहूं कि मैंने अपनी एक किताब लिखी है जिसमें मेरी आत्मकथा के संस्मरण हैं, उसका नाम ही है ऊबड़ खाबड़ सफ़र गांव से महानगर। तो ये बहुत से लोगों पे लागू होता है कि अगर आप अच्छे से पढ़ लिख लें गांव में रह के भी, बहुत से बच्चे गांव में इंटेलिजेंट होते हैं और बड़े बड़े मुकाम हासिल किए उन्होंने, तो शुरुआती समस्याएं तो होती हैं कि जब गांव का कोई लड़का शहर में पढ़ने आता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है, तो उसको बहुत समस्याएं होती हैं। इसीलिए मैंने ऊबड़ खाबड़ सफ़र उसको नाम दिया है। लेकिन मेरा मानना यह है कि मेहनत अगर कोई ठीक से करता है तो चाहे वो गांव में पैदा हुआ है या शहर में पैदा हुआ है, सफलता उसको मिलती है। और सारे शहर में पैदा होने वालों को तो सफलता नहीं मिलती। आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम का रिजल्ट उठा के देखिए, उसमें गांव से बहुत बच्चे चुने जाते हैं। जी, लेकिन सर अक्सर हम देखते हैं युवा लोग ऐसा महसूस करते हैं सर कि गांव में वो एनवायरनमेंट वैसा माहौल उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाता, इसलिए वो ऐसा अपने आप को महसूस करते हैं कि हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे शहरों के कॉम्पिटिटर की अपेक्षा। किसी हद तक उनकी बात भी सही है। जी, मेरा तो मानना ये है कि आज़ादी के बाद से गांव पे उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना देना चाहिए था। जी, क्योंकि आज़ादी के बाद बड़े शहर बनाना, उद्योग धंधे लगाना, और उसमें गांव लगभग पीछे छूटते चले गए। तो आज़ादी के समय शहर का और गांव का अंतर उतना ज़्यादा नहीं था जितना आज दिखाई देता है। तो गांव के बच्चों के लिए मुसीबत तो है, इसीलिए गांव के लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए शहर भेजते हैं, वो किराए पे कमरा लेके रहते हैं या हॉस्टल में रहते हैं, कोचिंग करनी पड़ती है उनको। और गांव के जो प्राइमरी स्कूल हैं, क्योंकि प्राइमरी स्कूल नींव हैं हमारी शिक्षा की, उनकी हालत बहुत ख़राब है। उनका आप उनका भवन देखिए, टूटा फूटा। अगर 5 टीचर की वैकेंसी है वहाँ पे तो 1 या 2 टीचर काम कर रहा है, वो भी आता है नहीं आता है, कोई अधिकारी उसको देखने नहीं पहुँचता। शहर के स्कूल में तो सबकी नज़र रहती है, शहर में नेता भी रहते हैं, अधिकारी भी रहते हैं, तो कोई भी इंस्पेक्शन कर सकता है। तो गांव का उस तरह से विकास नहीं हुआ, इसलिए गाँव के बच्चे ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनको दिक्कत होती है। तो हम तो आजकल यही काम कर रहे हैं कि गांव में कैसे विकास हो जिससे कि गांव के लोगों को भी शहर के लोगों जितनी ही सुविधाएं मिलें, और ये बहुत ज़रूरी है। जी सर, सर हम जानना चाहेंगे कि चूंकि सर आप आयकर एक जो महत्वपूर्ण विभाग है हमारे देश का, और जैसे कि आपने अभी पहले बताया भी कि उसकी नज़र होती है जो बड़े आयकर की जो चोरी करते हैं उन पर, तो सर्विस के दौरान सर आपको बहुत सारे अनुभव खट्टे मीठे जैसा आपने बताया भी, तो किस तरह का ये सर अनुभव रहा? देखिए, एक तो केंद्रीय सेवाओं की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आपको पूरे भारत में आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है, खासतौर से बड़े अधिकारियों की, हमारे रैंक के अधिकारियों की। तो एक तो भाषा की समस्या बहुत आती है कि जब हम हैदराबाद में डायरेक्टर जनरल थे तो 3 राज्यों का चार्ज हमारे पास था, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, और तेलंगाना में तेलुगु के अलावा हिंदी, उर्दू, एक अलग हैदराबादी भाषा बोलते हैं उसको। निजाम हैदराबाद के ज़माने में वो थोड़ी उर्दू, थोड़ी हिंदी, थोड़ी तेलुगु, सब मिक्सअप होती है। तो सब मिक्सअप होती है, तो वो समस्याएं आती हैं कि ख़ासतौर से हमारे विभाग के ही जो जूनियर लेवल के कर्मचारी या अधिकारी होते हैं वो ना हिंदी जानते ना अंग्रेजी जानते ठीक से। तो आपको भाषा सीखनी पड़ती हैं, सारी भाषा थोड़ी थोड़ी सीखनी पड़ती हैं या ट्रांसलेशन कराना पड़ता है। तीसरा ये कि हर इलाके में अलग तरह का उद्योग होता है, अलग तरह की इंडस्ट्री होती है, और वहाँ टैक्स की चोरी भी अलग तरह की होती है। भाई कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम ज़्यादा होता है तो कहीं पे ऑयल इंडस्ट्री ज़्यादा है, तो कहीं पे बैंकिंग का काम ज़्यादा है, कहीं पे कपास से रिलेटेड इंडस्ट्री ज़्यादा है। तो केंद्रीय सरकार की सेवाओं में ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आप जब एक इलाके से दूसरे इलाके में ट्रांसफ़र होके जाते हैं
तो आपको बिल्कुल नया माहौल मिलता है, नए तरह के लोग मिलते हैं, नई तकनीक वहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं टैक्स की चोरी करने के लिए। तो आपको हर ट्रांसफर पोस्टिंग पे अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, वहाँ की भाषा को लेके, उस माहौल के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है, क्योंकि वहाँ के लोग तो आपके हिसाब से नहीं ढालेंगे अपने आप को, हमें अपने आप को ढालना है। ये प्रदेश की सेवाओं में ये बात नहीं है। अब मध्य प्रदेश में जो प्रादेशिक सेवा है उसमें पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी ट्रांसफ़र हो सब जगह हिंदी बोली जाती है, सब जगह हिंदी समझी जाती है, तो वो समस्या नहीं आती, संस्कृति की समस्या नहीं आती, भाषा की समस्या नहीं आती। तो और मैं इसको चुनौती ही नहीं मानता, मैं तो इसको इसका सकारात्मक पक्ष देखता हूँ, पॉजिटिव पक्ष देखता हूँ इसका। इस बहाने हमें पूरे देश को जानने का मौका मिलता है। मैं आज ये कह सकता हूँ कि अगर मैं किसी प्रदेश में सेवा करता तो मुझे केवल उस प्रदेश की जानकारी होती। आज मैं कह सकता हूँ कि मैंने पूरा भारत घूमा है, पूरे भारत को अपनी सेवाएं दी हैं, तो ये लाभ मुझे हुआ। तो अनुभव काफ़ी मिक्सअप रहा सर? बिल्कुल मिक्सअप तो रहते ही हैं, क्योंकि सब कुछ अच्छा नहीं होता, सब कुछ खराब नहीं होता, सारी चीज़ों को सर। बिल्कुल सर, हम जानना चाहेंगे आपसे कि हमारे देश में सर आयकर को लेकर के, इनकम टैक्स को लेकर सर एक बड़ा ही डर का, एक बड़ा ही भय का माहौल लोगों के बीच रहता है। अक्सर हमने देखा है सर कि लोग आयकर से बचना चाहते हैं, यानी यदि हम किसी से डायरेक्ट कहें कि आप क्या आप एक इनकम टैक्स पेयर बनना चाहते हैं, यदि हम किसी से पूछे तो उसका जवाब ना ही होगा। तो सर चूँकि आखिर ऐसा क्यों है, यदि हम दूसरे देशों के अकॉर्डिंग देखें, यदि हम पश्चिम के देशों के अकॉर्डिंग देखें, यदि हम अब्रॉड के देशों के अकॉर्डिंग देखें, तो जनसंख्या के अनुपात में हमारे देश में जो आयकर दाताओं की संख्या वो बहुत कम है, तो इसका क्या कारण है? देखिए, दो प्रश्न आपने किए कि एक तो आबादी के हिसाब से इनकम टैक्स पेयर्स की संख्या कम है, और दूसरा डर का आपने बताया, इन दोनों के अलग अलग कारण हैं। आबादी के हिसाब से हमारी क्यों कम है आयकर दाता की संख्या, क्योंकि आयकर एक निश्चित सीमा से ज़्यादा जब आय होती है, तो आजकल 2.5 लाख रुपया से ज़्यादा आपकी आय होगी तभी आपके ऊपर टैक्स लगेगा। 2.5 लाख का सीधा मतलब हो गया कि आपको 20-22 हज़ार रुपया महीना आमदनी है तो टैक्स नहीं लगेगा। अब आप देखिए भारत के कितने लोगों की आय 20-22 हज़ार रुपया महीना से ज़्यादा है, मुश्किल से 5% लोगों की। किसानों की आय इतनी नहीं है, मजदूरों की आय इतनी नहीं है। हमारे देश में 40% लोग तो राशन लेते हैं सस्ते दर पे, क्योंकि वो बीपीएल के नीचे रहते हैं, गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। उसके बाद 60-70% के बीच में किसान परिवार हैं, एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगता। फिर टैक्स किस पे लगता है, जो आबादी का वो हिस्सा जो 2.5 लाख से ज़्यादा हर साल आय कर रहा है। बेरोजगार युवा कितने घूम रहे हैं, उन पे टैक्स नहीं लगता। 18 साल से कम के बच्चों पे टैक्स नहीं लगता जो पढ़ाई कर रहे हैं। 50% आबादी की महिलाएं घर में ज़्यादातर रहती हैं, उन पे टैक्स नहीं लगता। तो आप बीपीएल के 40% निकाल दो, महिलाओं को निकाल दो, बच्चों को निकाल दो, तो पूरी आबादी का 5% से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा जिनकी आय 2.5 लाख से ज़्यादा है। तो एक तो ये कारण हुआ कि कम आयकर दाता क्यों हैं। अब रहा भय का वातावरण, जहाँ शिक्षा नहीं होगी, जागरूकता नहीं होगी, वहाँ भय का वातावरण होगा, और जहाँ टैक्स की चोरी होगी वहाँ भय का वातावरण होगा। तो भय दो कारण से होता है कि या तो हमको ज्ञान नहीं है कि भाई किस तरह से हमको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, किस तरह से हमको कितना टैक्स देना है। तो जब जानकारी का अभाव रहता है तो आदमी को लगता है पता नहीं मेरी इनकम पे टैक्स लगना था, नहीं लगना था, कितना लगना था। तो भय का तो सीधा संबंध जागरूकता से होता है। जैसे जैसे लोग शिक्षित होते जाएंगे, और शिक्षित का मतलब डिग्रीधारी नहीं, आपने बीएससी कर लिया एग्रीकल्चर में और इनकम टैक्स के बारे में जानकारी नहीं पढ़ी, तो आप इनकम टैक्स के शिक्षित नहीं हुए। भले ही आप डिग्री या पीजी होल्डर हो गए हैं, तो आपको इनकम टैक्स के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, और आजकल तो इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर सब जानकारियां हैं, तो हम चाहें तो जानकारी आसानी से ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, चोरी करना छोड़ दें। पुलिस से डर किसको लगता है,
चोर को। जी सर, तो अगर इनकम टैक्स की किसी ने चोरी नहीं की है तो कोई इनकम टैक्स अधिकारी आपको परेशान कर ही नहीं सकता। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको नोटिस दे के ये पूछेगा कि आपकी आय कितनी है और क्या आपने टैक्स दिया है। तो आप सिंपल रिप्लाई उसका दे सकते हैं कि मेरी आय या तो 2.5 लाख से कम है तो मेरे पे इनकम टैक्स नहीं लगता, ये कह दीजिए। और अगर ज़्यादा है तो आप सिंपल कह दीजिए कि हमने, हमारी ये आय थी और हमने रिटर्न फाइल कर ली, आप वहाँ से देख लीजिए। सर, हम जानना चाहेंगे आपसे कि सरकार ने काले धन, जैसा आपने बताया सर कि उसकी पाइप लाइन को तोड़ने के लिए बड़े नोटों को बैन किया सर, तो नोटों को नहीं छापने की कार्य योजना बनाई कि जो ब्लैक मनी है वो बड़े नोटों में ही जमा होता है, अधिकतर बड़े नोटों में ही जमा किया जाता है, लेकिन उसके बाद सर फिर 2000 के नोट क्यों छापे गए? देखिए, इस फैसले को बहुत से लोगों ने वो किया है और मुझे लगता है क्योंकि हमारे पास कैश सर्कुलेशन बहुत रहता है हमारे कंट्री में, और छोटे नोट छापने के लिए बहुत टाइम लगता, क्योंकि ये ऐसी चीज़ तो है नहीं कि हर गली मोहल्ले में एक प्रेस लगा के, प्रिंटिंग प्रेस लगा के छाप दो, ये बहुत सुरक्षित वातावरण में छापा जाता है। और जब चारों तरफ ये हो रहा था कि जनता को पैसा नहीं मिल रहा, तो शायद मजबूरी में 2000 का नोट लाना पड़ा। हाँ, एक प्रिकॉशन लिया जा सकता था, जो लेना चाहिए था, कि नोटबंदी में भले ही 2000 का नोट आ जाए, कितना भी नोट आ जाए, लेकिन हमें अगर किसी के घर से इसके बाद ब्लैक मनी मिले तो बहुत कड़ा कानून बनाना चाहिए था, और दुर्भाग्य से उतना कड़ा कानून नहीं बना। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि ये कानून होना चाहिए था कि नोटबंदी में एक बार सबको मौका दे दिया बड़े नोट काले नोट बदलने का, इसके बाद जिसके यहाँ से भी काला धन बरामद हो वो सीधा जब्त हो जाएगा, ये प्रावधान होना चाहिए था। और यही कारण है कि आजकल भी आयकर के छापे पड़ रहे हैं तो खूब काला धन निकल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि उस पर फिर देशद्रोह का कानून लगा दिया जाए, ऐसा भी किया जा सकता है? बिल्कुल होना चाहिए, देशद्रोह ही है सर, ये नहीं, बिल्कुल अनाधिकृत तरीके से, बिल्कुल देश के जो गरीबों का हक है, बिल्कुल वो उसको वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल वो तो देशद्रोह ही, बिल्कुल ये मेरा तो बिल्कुल कड़ा मत है कि हमें आर्थिक अपराधों को भी बाकी अपराधों के बराबर संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि आप मान लीजिए सरकार की किसी ने एक कलम चुराई 10 रुपये की, वो आदमी तुरंत अरेस्ट हो सकता है 10 रुपये की चोरी में। और अगर किसी ने 100 करोड़ इनकम टैक्स चुरा लिया, वो भी तो सरकारी खजाने का है, तो उसका तुरंत गिरफ्तारी नहीं है, तो ये तो वैसे भी गलत बात है। ये तो असमानता हुई सर। बिल्कुल असमानता हुई कि छोटे चोर को इस तरह की सजा, और इनकम टैक्स की चोरी हमारे, और यही कारण है कि हमारे यहाँ इनकम टैक्स की चोरी को कोई आपके शहर में अगर छापा पड़ता है तो उस आदमी को ना तो जनता उसका बहिष्कार करती, ना सरकार की तरफ से उसको गिरफ्तारी होती, तो ये कहीं ना कहीं जनता में मैसेज जाता है कि ठीक है टैक्स की चोरी कर लो, पकड़े जाएंगे तो तब देख लेंगे, तब तक तो चोरी कर ही रहे हैं, उस काले धन का इस्तेमाल तब तक कर रहे हैं। चूंकि सर अक्सर हमने ये भी देखा हुआ है, जैसा आपने भी बताया, कि कोई व्यक्ति 10 रुपये का पेन भी चुराता है, आज भी सर हमारे देश की जेलों में बहुत से ऐसे लोग जेलों में बंद हैं जिन्होंने बहुत छोटे छोटे अपराध किए हैं सर, बहुत छोटे छोटे, और वो अपराध सिर्फ उन्होंने इसलिए किए कि वो उनके पास वो आर्थिक संपन्नता नहीं थी, बिल्कुल वो उस चीज को परचेस नहीं कर पाते थे, या वो उनकी गरीबी की वजह से उन्होंने ये छोटे छोटे आर्थिक अपराध किए जिसकी वो आज भी सजा भुगत रहे हैं सर जेलों में। बिल्कुल, और आज भी हम हमारे समाज में देखते हैं कि जो बड़े बड़े, जैसे आपने बताया सर, कि जो बड़े आयकर की चोरी करते हैं तो वो भी तो चोर हुए ना सर, वो खुलेआम यही उनके ऊपर इतना कड़ा। देखिए, ये काम तो कानून बनाने वालों को करना होगा, क्योंकि हम और आप कानून नहीं बना सकते। हाँ, हम और आप मांग कर सकते हैं, तो जैसे मैं भी ये मांग करता हूँ कि मेरी तो दो मांग अक्सर रहती है, एक तो ये कि काले धन को बंद करने के लिए सख्त कानून की जरूरत है, कि जिसके यहाँ भी काला धन मिलेगा वो सीधा जब्त हो जाएगा। और ये कर सकते हैं कि भाई एक सीमा कर दें कि अगर 50 लाख से ज़्यादा, 1 करोड़ से ज़्यादा, तो तुरंत गिरफ्तारी हो, और उसकी जमानत का प्रावधान भी हाईकोर्ट से होना चाहिए, ये नियम आ जाएगा तो देखिए ये कालाधन काफ़ी कम हो जाएगा। और दूसरी तरफ, एक तरफ हम कड़ी सज़ा करें चोरी करने वालों को, और दूसरी तरफ जो लोग जितना ज़्यादा इनकम टैक्स दे रहे हैं हम उनको उतनी ज़्यादा सुविधाएं दें। आज क्या हो रहा है, जो आदमी टैक्स नहीं दे रहा उसको फ्री राशन मिल रहा है, उसको फ्री
इलाज मिल रहा है, और जो आदमी टैक्स दे रहा है उसको उसको पैसे से इलाज कराना पड़ रहा है। जो प्रधानमंत्री की इलाज योजना है वो टैक्स पेयर के लिए नहीं है, तो आज तो टैक्स देने वाले को आप हतोत्साहित कर रहे हैं। तो ये भी होना चाहिए कि जो जितना ज़्यादा टैक्स दे उसको उतनी ज़्यादा सुविधा मिले। ये आप दो चीज़ें कर दीजिए, तीसरे की कोई ज़रूरत नहीं है। काला धन आपका अपने आप कम हो जाएगा और लोग स्वेच्छा से आयकर देंगे, उनको ये लगेगा कि ये आयकर देना एक सम्मान का भाव बना देना चाहिए। वो जब तक सर लोगों में नहीं आएगा तब तक लोग स्वयं से आयकर देने के लिए अग्रसित नहीं होंगे। बिल्कुल। तो सर हम ये मान सकते हैं कि इसके लिए बहुत ही कड़ा कानून सरकार को लाना होगा तभी जाकर के। बिल्कुल। और जनता को मांग करनी चाहिए इस चीज की कि भाई जो बड़ी बड़ी टैक्स की चोरी कर रहे हैं उनके साथ बिल्कुल विनम्रता नहीं, उनके साथ उनको बाकी अपराधियों से ज्यादा कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। तो सर जनता से ज्यादा तो सर हमारे जो नेता लोग हैं ये संसद उठाना चाहिए, लेकिन मांग तो जनता करेगी ना, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता उनको चुनती है। जब चुनाव में वो आए जनता के पास, जनता उनसे कहे कि भाई ये टैक्स चोरों के खिलाफ आपने कानून क्यों नहीं बनाया, वो प्रॉमिस करें कि हम बनाएंगे तो उनको जिताइए। सर अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो बड़े आईटी रेड सर आपने आपके कार्यकाल के दौरान हुए ही होंगे, तो सर अक्सर कहा जाता है कि बड़ी मछलियों पर सरकार की नजर रहती है, तो ये कैसे ट्रेस किया जाता है सर कि कौन बड़ी मछली है और किसे जाल में फंसाना है? देखिए ये तो क्या होता है, ये थोड़ी सी गुप्त टेक्निक होती हैं जिनका जिक्र मुझे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जनता को पता चल जाएगा तो फिर टैक्स चोर और आगे दौड़ने लगेंगे। हमारे विभाग के पास बहुत सूचनाएं चारों तरफ से आती हैं, जैसे आयकर विभाग के पास जितनी भी बड़ी प्रॉपर्टी के डील होते हैं, तो देश भर के रजिस्ट्रार जितनी भी बड़ी प्रॉपर्टी की डीलिंग होती हैं हर महीने उसकी सूचना इनकम टैक्स विभाग को बिना मांगे देती हैं। वो आपसे शेयर करते हैं? जी। इसी तरह से बैंकों के बड़े ट्रांजैक्शन सब डिपार्टमेंट के पास आते हैं, और भी बहुत से मैंने दो छोटे उदाहरण दिए। तो कई बार लोग चौंकते हैं कि अरे ये बैंक अकाउंट तो हमारी पत्नी को भी मालूम नहीं था, ये तो हमारा नंबर दो का अकाउंट था, सर कैसे मालूम पड़ गया ये अकाउंट का? तो बहुत सी सूचनाएं उनके पीछे आयकर दाताओं के पीछे आती रहती हैं, और उनको हम लोग मैच करते हैं कि भाई इतना बड़ा ट्रांजैक्शन किया है लेकिन टैक्स तो ये आदमी कम दे रहा है। तो जहां मिसमैच होता है वहां ये बड़ी कार्रवाई होती है। और एक तरीका और है, वो आम जनता के लिए, जनता भी इन्फॉर्मर के रूप में टैक्स चोरी की सूचना दे सकती है, उसमें उनको इनाम जनता भी बता सकती है उसमें उनको इनाम भी मिलता है। तो बहुत सी सूचनाएं हमें जिन लोगों को इनाम का लालच होता है या जिनके अंदर राष्ट्रीय भावना होती है कि उनके शहर का कोई बहुत बड़ी चोरी कर रहा है इनकम टैक्स की, वो सूचनाएं भी आती हैं, उसके बेसिस पे भी कार्रवाई होती है। मतलब सर आयकर विभाग को पता होता है कि कौन व्यक्ति कर की चोरी कर रहा है? मोटा मोटा पता रहता है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि हर व्यक्ति क्या कर रहा है पता हो, लेकिन बड़े कर चोरों का कहीं ना कहीं से कोई ना कोई स्रोत से सूचना मिल जाती है। सर ऐसा भी अक्सर सुनने में आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये राजनीतिक प्रेशर से भी प्रभावित रहता है। अब देखिए ये चीजें तो ऐसी हैं कि आप राजनीतिक प्रेशर के माध्यम से भी आयकर छापे डाले जाते हैं। मैं तो कहूंगा कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन लोगों को छूटने का बहाना चाहिए कि लोगों को लगता है कि अच्छा चलो कि एक बात को थ्योरिटिकली अगर ये मान भी लिया जाए तो सरकारें तो बदलती रहती हैं। तो अगर मान लीजिए एक सरकार ने दूसरी सरकार का पकड़ा तो दूसरी आएगी, तो तुम उनका पकड़वा दो, क्या दिक्कत है? लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप किसी के भी घर में घुसते हैं तो आपके पास वो होना चाहिए। और कई बार जनता को ये भी परसेप्शन रहता है कि सारे नेता करप्ट, सारे ब्यूरोक्रेट करप्ट, सारे व्यापारी करप्ट, सब टैक्स की चोरी करते हैं। वो कहते हैं ये तो 500 करोड़ का आदमी होगा, लेकिन जब हमसे पूछते हैं कि तुम इनकी 10 करोड़ की भी सूचना हमको दे दो, सही सही नहीं साहब, वो लोग ऐसा कहते हैं। तो इन कहने से कुछ नहीं होता, इससे आप किसी के घर में नहीं घुस सकते, क्योंकि किसी के घर में घुसना
कल वो हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि उसकी निजता का उल्लंघन है और बहुत बड़ा उल्लंघन है, क्योंकि जब आप घर में घुसते हैं तो आप उसके बेडरूम में भी घुसते हैं, आप ड्राइंग रूम में भी घुसते हैं, पूरे घर की तलाशी ली जा सकती है टोटल, मतलब यहाँ तक कि उनका कार, उनका वाहन, कोई भी चीज़, मतलब उनकी जो भी संदिग्ध है। यहाँ तक भी हुआ कि कई बार ये सूचना रहती है या संदेह होता है कि किसी दीवार में कोई कैविटी है, तो वो दीवार भी तोड़वा दी जाती है और निकलता है ऐसा। हमारी भी कई सर्च में एक छापे में तो एक छापे में तो ऐसा निकला कि लगभग हर दीवार में अंदर कैविटी बना रखी थी। तो यहाँ तक भी सुना है कि टॉयलेट में तक लोग छुपा के, हाँ टॉयलेट में छुपाते हैं, मंदिर के पीछे छुपाते हैं, मतलब बहुत तहखाने लोग बनवाते हैं, वो तरह तरह के। अब हमारे लिए तो ये सब रूटीन चीज़ें, आप लोगों के लिए वो एक सनसनीखेज होता है, तो हमें तो ये अक्सर इस तरह का मिलता है। मतलब सर आयकर की जो बड़ी मछलियाँ हैं वो मंदिर को भी नहीं छोड़ती? नहीं, वो फिर वो उनको इन चीज़ों से मतलब नहीं है, उनको ये रहता है कि कहाँ छुपाएं जहाँ पे नज़र कम जाए, तो नई नई जगह ढूंढते हैं लोग। जी सर, लेकिन सर हम वर्तमान में देख रहे हैं, जैसा आपने बताया कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी भारतीय दर्शन को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, पश्चिम के सामने रखा। बिल्कुल। लेकिन आज हम सर वर्तमान में देख रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति से विमुख हो रहे हैं और पश्चिम वेस्टर्न कल्चर हमारे देश पर बहुत ज्यादा हावी हो रहा है, खासकर हम युवा पीढ़ी को यदि देखें तो, और उल्टा भी हो रहा है। वेस्ट वाले हमारे विवेकानंद जी और गांधी जी को फॉलो कर रहे हैं। मैं बताऊं, कुछ साल पहले मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला और अमेरिका में मैंने बहुत सी चीज़ें ऐसी देखी जो मुझे गांधी जी की विचारधारा लगती है, जैसे वहाँ की साफ सफाई, गांधी जी स्वच्छता पे बहुत जोर देते थे। अमेरिका में कोई भी आदमी सड़क पे कूड़ा नहीं डालता, यहाँ तक कि अपने कुत्ते को भी टहलाने ले जाता है तो उसको पोटी भी वो सड़क पे नहीं करने देता, वो हाथ में दस्ताने पहन के उसकी पोटी को खुद हाथ में लेके और वो डस्टबिन में डालता है। तो ये सब गांधी चाहते थे, हमारे लोग गंदगी सड़क पे कूड़ा फेंकेंगे, केले का छिलका फेंकेंगे, थूकेंगे, कुछ भी, मतलब, और वो सोचते हैं गंदगी फैलाना हमारा काम है, सफाई स्वीपर का काम है, वो सफाई कर्मियों का, नगर निगम का काम है। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि हम अपनी अच्छी अच्छी चीज़ों को, जिनको वेस्ट हमसे सीख रहा है, उनको हम भूल रहे हैं, और उनकी जितनी भी खराब परंपराएं हैं कि जैसे वैलेंटाइन डे, एक दिन का प्यार, मदर्स डे, फादर्स डे, अरे हम तो सुबह शाम दिन में दो बार माँ बाप की सेवा करने वाले, तो हम एक दिन में कैसे मदर फादर डे मना सकते हैं? हमारा तो हर दिन मदर डे फादर डे है। तो अच्छी चीज़ें भूल के हम उधर जा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी शिक्षा पद्धति अंग्रेजों ने शुरू की थी, ये जो आधुनिक शिक्षा पद्धति, दुर्भाग्य से हम इसको नहीं बदल पाए। आज कितने स्कूलों में विवेकानंद पढ़ाए जाते हैं, कितने स्कूलों में गांधी विचार पढ़ाया जाता है, यहाँ तक कि गांधी जी ने समाज कैसा हो, लेकिन ये बात समाज शास्त्र के सोशियोलॉजी में नहीं पढ़ाई जाती। गांधी ने अर्थव्यवस्था कैसी हो इसके ऊपर लिखा, ट्रस्टीशिप सिद्धांत, ये अर्थशास्त्र में नहीं, इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी इसको नहीं पढ़ते। पर्यावरण के ऊपर उनका इतना वो है, एनवायरनमेंट के विद्यार्थी इसको नहीं पढ़ते। हम वही जो अंग्रेज जो बना के गए शिक्षा पद्धति हमारी, उसी पैटर्न पे चले आ रहे हैं। तो सबसे पहले जड़ तो शिक्षा है। तो आपने जो कहा, मैं युवाओं की गलती नहीं मानता, मैं तो इस मामले में सरकारें भी दोषी हैं और हमारे अध्यापक और वाइस चांसलर्स यूनिवर्सिटीज़ के, वो भी इसके दोषी हैं, उनको ये मांग उठानी चाहिए अपनी अपने विश्वविद्यालय में। और हम तो कोशिश कर रहे हैं, मैं तो कई विश्वविद्यालयों को चिट्ठी लिखा हूँ कि भाई जिस गांधी को विदेशी विश्वविद्यालय पढ़ा रहे हैं, हमारे विश्वविद्यालय उनको क्यों नहीं पढ़ा रहे? तो कुछ विश्वविद्यालय इसके ऊपर एग्री कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि एक से अच्छी शुरुआत होगी तो धीरे धीरे ये बात भी फैलेगी। और हम तो सरकार को भी कहते हैं कि वो हमारी शिक्षा में इन भारतीय विभूतियों और इन भारतीय आइडियोलॉजीज को लाएं, जिससे हमारे युवा मजबूत हों, उनका चरित्र
मजबूत हो और नैतिक विकास हो। चूंकि सर यदि हम विचारधारा की बात करें तो यदि हम गांधीवाद को लें या विवेकानंद जी को लें तो इस विचारधारा ने पूरे संपूर्ण विश्व पे अपना प्रभाव डाला। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए प्रभाव डाला। आप देखिए रोमारोला का आपने नाम सुना होगा। रोमारोला विश्व के महानतम लेखक माने जाते हैं जीवनीकार के रूप में। उनको लोग बहुत बहुत पैसा देने को तैयार थे, बड़े बड़े राजा महाराजा देश विदेश के, लेकिन उन्होंने उनकी जीवनी नहीं लिखी, उन्होंने हिटलर की जीवनी नहीं लिखी, उन्होंने गांधी की जीवनी लिखी, जबकि वो तो यूरोपीय थे, लेकिन उनको गांधी ने इतना प्रभावित किया। उन्होंने विवेकानंद की जीवनी लिखी, तो ऐसे महान लेखक गांधी के ऊपर, विवेकानंद के ऊपर देश विदेश से लिखने आ रहे हैं और हमारे देश में उनको उस तरह से हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में जिस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, बच्चे बच्चे को विवेकानंद की आइडियोलॉजी आनी चाहिए, बच्चे बच्चे को गांधी की आइडियोलॉजी आनी चाहिए, सर्वोदय की आइडियोलॉजी आनी चाहिए, लोहिया जी की आइडियोलॉजी आनी चाहिए। ये मेरा विचार है और हम इसमें कोशिश भी कर रहे हैं, जितना हमारी सामर्थ्य है हम सबको लिख सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं विश्वविद्यालयों से, तो वो हम कर रहे हैं। सर क्या इस संबंध में आपने केंद्र सरकार को लिखा? हाँ, जैसे हमने भाई यूनिवर्सिटी तो काफ़ी केंद्रीय यूनिवर्सिटी भी हैं तो उनको भी हम लिख रहे हैं और अब हम केंद्र सरकार को भी लिखेंगे, मानव संसाधन मंत्रालय को भी इसके बारे में लिखेंगे। एक हम लोगों ने टीम भी बनाई है, गांधीयन स्टडीज़ ग्रुप, उसमें देश भर के ऐसे विद्वान, प्रोफेसर्स, वाइस चांसलर शामिल हैं। तो हम सरकार को केवल अनुरोध नहीं करना चाहते, हम उनको पूरा सिलेबस बना के देना चाहते हैं, कि क्योंकि कई बार क्या होगा, सरकार निर्णय ले लेती है तो सिलेबस बनाने में टाइम लग जाएगा, तो हम तो उनको पूरा काम करके बस आपको लागू करना है। तो मुझे उम्मीद है कि अगले 6 महीने या 1 साल में हम पूरा प्रपोजल बना के उनको ये दे देंगे। चलिए सर, हम भी उम्मीद करेंगे कि भारतीय दर्शन शास्त्र और भारतीय आइडियोलॉजी को सर हमारे देश के जो युवा है उनको पढ़ने का और समझने का अवसर मिल पाएगा। बिल्कुल जी। सर आपसे एक बहुत ही उम्मीद भरी और बहुत ही सार्थक परिचर्चा सर आपसे हुई, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी आपके सब दर्शकों को शुक्रिया और उनसे अनुरोध करूंगा कि आप सब इन बातों पर ध्यान दें, अपने देश की महान विभूतियों को पढ़ें, विवेकानंद जी को पढ़ें, गांधी को पढ़ें, विनोबा जी को पढ़ें, लोहिया जी को पढ़ें और इन सब आइडियोलॉजी